हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12, तो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपकी प्रिपरेशन आई थिंक बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। एंड इसके बीच बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं, आ रहे हैं एक एक करके। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की कंफ्यूजन जो कि सबसे ज़्यादा देखी जा रही है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने से हम लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, जबकि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने से जितने बच्चों को फायदा मिल रहा है लास्ट पिछले 2-3 सालों से, आपको शायद ही कभी मिले। आप सबसे लकीस्ट बैच हैं, पिछले जितने भी बैच हो चुकी हैं कोरोना से पहले उस टाइम तक कभी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कोरोना के बाद बहुत सारे बदलाव आए, आप लोगों को याद होगा, टर्म 1 टर्म 2 करके एग्जाम हुआ, 2 डिवाइड करके एग्जाम हुए, अब कुछ एग्जाम्स कैंसिल किए गए, उसके बाद बदलाव लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लाया गया है बोर्ड एग्जाम 2024 में, ये वैलिड है। अब इसको अच्छे से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस पे आपका पास फेल होना, अच्छे परसेंटेज भी लाना काफी कुछ मायने इसमें रखता है, लेकिन चीजें अगर आप समझ के रखेंगे और समझ जाएंगे तो उतना ज्यादा आपके लिए आसान बनेगा। तो मैं थोड़ा बहुत, अभी क्या है कि अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं सब लोग, ऑन दी अदर हैंड अभी बोर्ड्स में टाइम है, स्कूल ऑनगोइंग है, तो हम लोग भी आपको उतने टाइम पे अपडेट नहीं कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम छोटे छोटे आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं, आगे समय आते ही नोट्स वगैरह आपको देना, साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब आप समझो कि इसमें क्या क्या काउंट होता है। जैसे मान लो पहला सेक्शन आपका ए सेक्शन कम्प्लीटली फुल रहेगा 1 मार्क्स क्वेश्चन से, यानी कि MCQ, जो कि सबसे ज्यादा हम पसंद भी करते हैं, साथ साथ ये सबसे ज्यादा रिस्की भी होता है। इसमें एक गलत मतलब क्वेश्चन पूरा गलत। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का फायदा ये होता है कि जो हमें आता है हम तो कर ले, सॉरी MCQ क्वेश्चंस में क्या होता है, जो हमें आते हैं वो हम लिख लेते हैं और लास्ट टाइम ऑफ एग्जाम में हम अपने दोस्तों से डिस्कस करके डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को टैगल कर या लिख लेते हैं। क्या होता है कि जब एग्जामिनर भी आपको शुरू में बहुत ज्यादा डिफिकल्टली वो आपको गाइड करते हैं, बट जैसे ही लास्ट टाइम आता है 10 मिनट 5 मिनट में, ऐसा होता है कि छोटी चीजें आप वो इग्नोर कर देते हैं, आप डिस्कस करके MCQ भी लिख सकते हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ने क्या कर दिया, कॉम्पिटेंसी आने के वजह से ऑप्शंस बढ़ा दिए, इवन MCQ में भी आपको और का ऑप्शन मिलेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको नहीं आता है तो एक और लिखकर नीचे भी एक ऑप्शन दिया रहेगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब आप यहाँ से साफ शब्दों में समझेंगे तो ऑप्शंस कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना, ऑप्शंस। अब मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं उस चीज को आप ध्यान से समझना। तो ये तो ए सेक्शन हो गई, फिर आपको मिलता है बहुत सारे पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन। पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन में भी और ऑप्शंस को बढ़ा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं इजीली तरीके से बोर्ड एग्जाम बहुत आसान होता है, जिसमें पैराग्राफ क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स तक, 5-5 मार्क्स ईच होता है, 3 सेक्शन में आते हैं 5-5 मार्क्स ईच करके, तो बच्चे यहाँ 12 मार्क्स इवन 15 मार्क्स तक आराम से स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि आंसर तो वहीं पे दिया रहता है। पैराग्राफ क्वेश्चन आई होप आप समझ रहे हैं क्या है। और बाकी जो सेक्शन है, जैसे मान लो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, मैं आपको अभी आसान वाला चीज बता रहा हूँ, और भी इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, बट मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ। फिर क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, देखो मान लो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 15 है 5 मार्क्स का है, ठीक है, आपको नहीं आता, तो ये वाला नहीं आता तो नीचे वाला तो आपको डेफिनेटली आएगा, चलो ये भी नहीं आता डेफिनेटली, ये वाला तो आपको आएगा, चलो ये भी नहीं आता, ये वाला तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेटेड आता होगा। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन का कुछ नहीं आता है, अगर आप उसके रिलेटेड कीवर्ड्स लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका मैच कर रहा है क्वेश्चन से, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स आप डिजर्व करते हैं, टीचर्स आपको देते हैं, तो कितना कुछ फायदा हो चुका है, ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं, बस हमें प्रैक्टिकली इसे लेना होगा और करना होगा। तो स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके अपने माइंड को क्लियर करें, क्लियर रखें कॉन्सेप्ट को, पढ़ाई अकॉर्डिंग करें और किसी भी चीज़ का टेंशन ना लें, क्योंकि हर एक चीज़ अच्छा होगा, पास होंगे, अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक कर देना, मेक श्योर कमेंट करना, किसी भी चीज़ का डाउट हो क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।